नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश में जब से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, माफिया अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ यूपी पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर भी शूटआउट में शामिल आरोपियों की संपत्तियों को रौंदने में लगा हुआ है। इन सबके बीच अब लगता है कि एक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके खिलाफ भी योगी सरकार का तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस का तांडव, अतीक के गुर्गों के खिलाफ हो रहा ताबड़तोड़ एक्शन, शूटर्स के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही पुलिस, अतीक के चक्कर में मुख्तार अंसारी भी आया लपेटे में, मुख्तार अंसारी के शूटर्स के खिलाफ भी हो रही दबिश। लगता है अतीक के बाद अब मुख्तार का भी आया नंबर। उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ इस कदर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है जैसे मानो ये उत्तर प्रदेश उनके लिए किसी जहन्नुम की तरह बन गया है। तभी तो माफिया मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, ये तमाम माफिया जिन्हें कभी बसपा और सपा चुनाव लड़वाया करती थी, वो आज सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, जब से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इन दोनों ही माफियाओं के गुर्गों पर पुलिस और ज्यादा सख्त हो गई है। और अब तो अतीक अहमद के साथ साथ माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार को भी लगता है कि योगी सरकार बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिन शूटर्स ने उमेश पाल पर बम और गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतारा है, उन शूटर्स का कनेक्शन मुख्तार अंसारी से भी जुड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के कुछ ही दिनों पहले जेल में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर के अतीक अहमद के भाई अशरफ और बेटे अली से मुलाकात हुई थी। यही वजह है कि इस मुलाकात को उमेश पाल हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि उमेश पाल की हत्या में मुख्तार के शूटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर्स के घर पर भी छापेमारी शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस की कई टीमें मुख्तार अंसारी के गढ़ गाजीपुर में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। उसके शूटर फर उर्फ चांद और अंगद राय के घर भी पुलिस ने छापा मारा है, जबकि जिस मऊ जिले से मुख्तार अंसारी विधायक रहा है, उस मऊ से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्तार अंसारी गिरोह के शूटर ब्रजेश को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिस पर कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। मुख्तार का परिवार भी मुश्किल में। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के शूटर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, तो वहीं मुख्तार अंसारी के परिवार पर भी पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी जहां पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा अब्बास अंसारी अब तक चित्रकूट की जेल में बंद था, जहां उसकी पत्नी निखत बानो अवैध तरीके से उससे मिलने जाया करती थी और घंटों उसके साथ कमरे में वक्त बिताया करती थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब चित्रकूट जेल में छापा मारा गया और दोनों साथ पकड़े गए। इस दौरान निखत के पास से विदेशी करेंसी बरामद हुई थी और फोन भी बरामद हुआ था, जिससे वो विदेशी नंबर पर बात करती थी। इसी फोन से यह भी पता चला था कि निखत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की तैयारी कर रही थी, मगर पुलिस ने उसका पूरा प्लान फेल कर दिया। जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं, उनके द्वारा अनाधिकृत मुलाकात की जा रही है, तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया, तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले, तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी, और फिर जाँच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी, और फिर उसकी तलाशी ली गई, तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच की जा रही है, और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं, तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था, एवं जो संवेदनशील बैरिक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरिक में मौजूद नहीं थे, और फिर
कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को, उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और फिलहाल इस छापेमारी के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जिले की जेल में भेज दिया गया है जबकि उसकी पत्नी निखा तभी भी चित्रकूट जेल में ही बंद है। इतना ही नहीं, जेल में दोनों की अवैध मुलाकात करने वाली डिप्टी जेलर चंद्रकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब लगता है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी भी जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकती है क्योंकि उनके खिलाफ भी कुछ ही दिनों पहले केस दर्ज किया गया है। ये केस उनके अपने चाचा मसूद आलम ने दर्ज करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अफसा अंसारी और उनके भाइयों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उनके 76 लाख रुपए भी हड़प लिए हैं। बहरहाल जिस तरह से मुख्तार अंसारी और उनका बेटा अब्बास अंसारी बहु निखत बानो पहले से ही जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी अफसा अंसारी पर भी अब केस दर्ज हो गया है। ऐसे में अतीक अहमद के साथ साथ अब मुख्तार अंसारी परिवार के भी जिस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अतीक अहमद को ललकारते हुए सीएम योगी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया आपने, माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो नहीं लिया। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम हमारी सर...